सुप्रभात आप सभी ते मेरे प्रणाम में नीलम राणा स्वागत करता हूँ आपको पड़ी के नई ब्लॉग में। आज ये ब्लॉग की शुरुआत होनी सुबह की 6 बजे और मेरा पहाड़ों की यूँ हसीन वादियों में हम जाना आज भंगड़ा गेहूँ काटन और बाकी ये जो मेरे ससुराल को गाँव जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में पढ़ दूँ सो तो आप लोगों से पता चली गए बोलो जैदन मैं बराते वीडियो डाली और फाइनली हम फंगड़ा में पहुँच गए। यू हम फंगड़ो छो यू हम ब्याह काटे नहीं तो गा घूँ बिडवाए साइड अभी ढिलवाले साइड काटने बाकी छ नहीं रेखा या ढिवा घूँ काटने बाकी छन। अभी मैं स्वामी जी और मैं छे आया फंगड़ा और मैं नाट दो रहा बोन लग गया फंगड़ा और बाकी अभी घूँ काट दन आया बीच में देखा यार 16 संग हो रहे ना पूरा छत्यानाश करूँ हम फंगड़ो को। बाकी अभी जल्दी जल्दी घूँ काट दन क्योंकि अगर मेरा ससुराल आओ देखा ला कि बुआरे को मुंड में पल्लू भी नहीं रहा को और फंगड़ा में जो एक सबसे पहली वीडियो है दिखा रही और जो कि मेरे ससुरालों गाँव से। तो दोस्तों जो भी जो मतलब युवियाक बेटी ने ये पूरू मेरे ससुरालों गाँव लेगी युवियाक बेटी और मथे तल्याक पूरू और ये साइड यमा यमा मतलब ये साइड यमा हमारो घर से ये के ढिवा में और याक बीच गाँव और ये से पल्ली साइड भी गाँव से पहले और मैंने तभी पूरू गाँव नहीं देखी पर ये साइड भी आप मकान देख सकता और यख हमारा पिछनी भी मतलब ये गाँव पूरे राउंड में मतलब मस्त यन घूमी के और बाकी ये गाँव का यहीं देखा यह पहाड़ी च और अभी घूँ काट दन जल्दी जल्दी। और ये मेरे शादी का बाद को लुक आप कमेंट में बताया कन लगन मेरे शादी का बाद और ये पल्ली साइड भी देखा ये कुछ गाँव दिखाना का और चलो अभी पहले जल्दी जल्दी घूँ काट दन वे का बाद मिल दन आप लोगों से थोड़ी देर बाद क्योंकि हम दू घूँ काटना आया बाकी और को होना सो तब पता चलता दो तीन दिन हुए कि नाम से कंटिन्यू घूँ काट दे और ये पर 4 भारी हम भी आए लेकिन काट के बाकी और ताबली चोला और स्वामी जी से आप लोगों को इंट्रोडक्शन फिर घर में करो लो कभी क्योंकि अभी फोंगड़ा में जल्द जल्दी काम कर रहा हूँ। स्वामी जी ने देखा 3-4 मुठ्ठी कैडी और मैं अभी वीडियो बनाऊँ को अभी भयंकर शरम से लागनी स्वामी जी बनाते चल आप जल्दी जल्दी घ्यों काट दन दगड़ी ये मेरे दथोड़ी है मेरे मैत बेटी आई है दथोड़ी से जो कि डोला का साथ आए थे और आज में ये घ्यों कहना थे ये यूज चौका दू मैं मैत दथोड़ी आई मिस यू। तो दगड़ी हूँ अभी सवेरे बज गए ने 7:30 और 7:30 बजे हमने आधा फंगड़ा का घ्यों काट लेन आई हम छिन्हे मेरे नानते जी और ये भी फंगड़ा है गिन अरसे अभी बाहर छिन लगोड़ा का और पहले तो उन घूँ काटे तो एक बाद तो बोले पहले मैं भारू लगाने वाले देख रहे कति कति घूँ वेन और एक बाद देखो भारू बजे गिन लाण हमें सोचिए मैं थोड़ा ब्लॉगिंग कर दे अरे यहाँ हमारो युवा फोंगड़ो चाहिए ये पर घूँ हम उन्हें काटे भी नहीं ये वहाँ पर रखा आधा काट ली ने कहने छिने तो वापस आया आधा पा बजो था आधा पूरु चो हमारो है पूरु हमें तो खाली ये तो समझो को मतलब पूरा हमारो है ना कारण तो ये पूरा फंगड़ो भी हमारो है ये पहली साइड आओ और युवा भी हमारो है अरे देखा मैं अपो स्वामी जी की कमीज फेरी की कमीज फेरी थे घूँ काटन आया भाई स्वामी जी भाई कमीज फेरी थे ऑफिस में जान था इंटरव्यू दे और हमें कमीज फेरी के फोंगड़ में आया इंटरव्यू दे देख दन कन कन निकल दो हमारे इंटरव्यू में पास हो कि नहीं हो उस बाद में बतौला आपते अभी देखा भार लगोना का तो बाकी शायद 2 भारी हुए जाली अब जल्द जल्दी अब घूँ काट दन एक बात थोड़ी देर बाद मिल दन आप लोगों से तब तक वीडियो में बने रहे घाम भी है या तो घाम भी बिजे हों बा गर्म भी भयंकर हों और जल्द जल्दी काट दन घूँ क्योंकि मत हूँ ना लोहा भी चुन देखना का हाँ हाँ तत के लगाओ अरे अभी जल्दी जल्दी निपटो दन काम मित्र घर बेटी फोन है चलो घर आ जाओ धूप हो गई तो 3 बजे से जल्द जल्दी घ्यों काट दन पहले। तो गाइस ये चलिन स्वामी जी घ्यों का भारा लिखते घर की ओर
और हम दू अभी काटना का नरते जी फिलहाल पहले शायद भारा लाला हाँ मस्त लगायूँ ये देखा ये चलिन और यून ले आने सीधा यख गेहूँ और फिलहाल अभी काट दन हम जल्दी जल्दी फिर तब जेकते हम भी जोला। अरे अब बीच में देखो पूरा सुंगरो छत्या नाश करूँ भाई गेहूँ को तुम्हें पहले बांध कर गेहूँ तो नहीं बांध आना का दगड़ू हम यहाँ बैठे काटेन घेऊँ। और अभी देखो ये पूरा कांटा छिन भाई अब फोंगड़ू ने अयो का प्याटान छांगी छांगी छिन हम कहना का देखा घेऊ तो हमारे एकदम इन पक्या ना टना टन सीधा घर जाएगते कुटने की तैयारी। अरे देखा इतना कहने चो भाई अभी तो गाइस यहाँ देखा मेरा पति जी घेहूँ काट घर रखे थे हैं और फिर से घेहूँ काटना बैठ गिन। अब इतने बैठे मैं नर्दे जी ब्लॉगिंग करनी क्योंकि मैं नर्दों भी यूट्यूब चैनल से काम नहीं खतरे पहाड़ी करके तो को यूट्यूब चैनल से आप लोग सर्च करी थे देख सकते हैं उनकी भी बहुत अच्छी अच्छी ब्लॉग रनिंग डाई की और उनते भी खूब सपोर्ट करे दोस्तों। और ये देखा मेरे पति देव थे कत सगवार से घेहूँ काटने को अगर कहीं बलून से घेहूँ काटना तो संपर्क कर दिया ले दिया मेरे पति जी से घेहूँ काटना थे ही। और चल अब दोस्तों मिल दान अब थोड़ी देर बाद थोड़ा घेहूँ काट दन क्योंकि घाम भी भयंकर बह गए उन्हें जल्दी जल्दी घेहूँ काटी थे मिल दान आप लोगों थे थोड़ी देर में। तो गाइस फाइनली अब आए हम उन्हें पूरा फंगड़ा घे सक लिन ये देखो एक ब्याड़ में बैठी जमा फंगड़ो आई आख तल आख एक भारी हम आई हम लगाएंगे एक भारी हम कती पाँच छः चार चार आठ नौ दस हमारे फंगड़ा पर दस भारी घेहूँ के वेन दस बारह घेहूँ का वेन ये पास हो चार का लेके दो मिलेगे छः चार भी आए लेकिन अदू ये लेकिन छः और चार अब आई हम चल है देखा वो भी रोपाए नहीं हुई तो तब ये कलवा है यहाँ पे काम नहीं बैठी हुई है मेरी ननद तो बाकी हमने थोड़ा बेड़े भी उठा दिए हैं इनसे ऐसे गाइस अब टाइम होगी 10:30 और 10:30 बजे आप चल दान हम घर कोई भी नहीं सारे पुन फंगड़ा पुन नहीं भाई बिल्कुल भी ना कक्की भी आपते हैं एक भी मन के फंगड़ा पुन नहीं दिखे सिर्फ हम छोड़ी थे हम ये फंगड़ा पर तीन मन के छ
बस बाकी और सब लोग घर चल गए सुबह, जबकि सुबह भी जल्दी ही है कि थे हम। और अब हम चल दन घर, और एक मत ही चिन भाई अपने घर का बिड़वा उन लोगों का। बाकी अब चल दन घर, फिर अब का नाम का बात का नाश्ता पानी, और तेका बाद देख दन घर में क्या क्या काम हों, दो वे काम निपटोला। और आज देखा बादल भी है कि भाई मौसम में देखो क्या बदलाव आ रहा है। भैया हमें देखा डांसर निकल घर की दाल में तो दाल दे देना, अगर घर की दाल तम बोले दीदियां आई हैं यहाँ पे बधाई देने शादी के बाद। हेलो, और चाय पी रही हूँ। और ये हैं दो दीदियां, और मैं इनके साथ आई हूँ अपने भैया की शादी की बधाई लेने के लिए। चाय पी रही हूँ, मैं अर्सा खा रही हूँ। मालिक इनकी जोड़िया बनाए रखे, भगवान इनको खूब अच्छा रखे, खुशियाँ दे, भगवान इनको खूब सुख समृद्धि से बनावाजे। मेरी माता रानी जल्दी से बेटा दे 5 किलो का। थैंक यू। आज तो आप गेहूँ छान के जाओगे, ये देखो इतने सारे है, ये ठीक है। बहुत क्या जंगल से घास लाना, लकड़ी लाना, मिट्टी लाना। आप तो प्लेन से हो, आपने कब किया इतना काम? ये है भाभी और ये है मम्मी, ये है भाई बनारन, ये बनारन है इधर। भाभी मेरा फोन लाओ। जल्दी जल्दी मम्मी डैडी कहने वाला है, दादा दादी कहने वाला है, बुआ कहने वाला है। अरे लेना मेरी आशीष सुहागन, दूधो नाई पुत्र फल पायो, जैसा रखा तुमने माने हमारा, वैसा रखे भगवान तुम्हारा। बहु बना जीवना लाए राम जी भा, बना तेरी जोड़िया हंस दिया राम, तेरे कोठो पर हरी माता रानी नाती दे जल्दी 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 से हम लेकर अपने घर दिया। जा भैया उस पे सूट पे रख के अपना मेरा सब बोल दिया। थोड़ा डांस करो ना दीदी, वीडियो में आ जाओगे आप। स्पीकर नहीं है, है? स्पीकर गाने वाला रणी गाने लगो, अरे फोन पे लगाओ ना, क्या हो रहा था थोड़ा। कोई नहीं, फिर अभी बात नहीं बनाना ना दीदी, मुझे शर्म आती है ऐसे। मैं भी बनाती हूँ, मुझे खुद शर्म। भाभी भी ब्लॉग बनाती है। आप भी बनाते हो? भाभी भी ब्लॉग बनाती है, और थोड़ा थोड़ा मैं भी कर लेती हूँ। डैडी ले आओ, कभी नहीं बनाना। और एक तो लिफावा तो ऐसी है वो वाला, तो ठान ये लिफावा तो सूट। अरे इस समय मम्मी का ध्यान करो, बेरोजगार है, बेरोजगार बेरोजगार कहां से पढ़ाई दे। सुनो सुनो पढ़ाई दे, सुनो अब रुक जा दे यहां, मत रुक जा, होगा ना मम्मी हूं ना मैं, मेरे जवाब लगेगा ना उत्तर कहां से। अब आटे सुनो ना, सुनो तो सही, मैं वहां पांच पण भी दो पैसा हो एक टीवी सुनो, कोई बात नहीं, सब चल ठीक ठीक देते मैं देना करके। भैया सारी मर आपने खाया कमाया मेरे भाई, मालिक आपकी जिंदगी लगाए, आपको 5 किलो का बेटा देवे मेरे भाई को, ऊपर वाला मेरी मम्मी अच्छी रहे, रोज नहीं आऊंगी मांगने, तब आऊंगी मम्मी। पोता कौन सा कल आ जाएगा, 9 महीने लगते पोता आने में।
लाखों रुपए मेरे भैया शादी में लगाया, मुझे तो कोई घाटा नहीं पड़ता। हाँ हाँ तब नहीं मानना भाई, बड़ी खुश होकर जा रही मेरे भैया की मन की मुराद पूरी हो गई। से मेरे खेला टाइप का देना, वो भी रखूंगी। हाँ खेला वगैरह दे दे, खेला ना कुआरी ताजी खुशी जीती रहे। अब पति की कमाई में थोड़ा सा हमारा हक भी होगा जब बेटा होगा। मेरी बोली की अच्छा घर बार मिले, अच्छा परिवार मिले। थैंक यू। जिस घर में जाए दीदी, हमारा घर है, ठीक है। फिर से वापस आए, जल्दी जल्दी नहाती आए, फिर आऊं लहराती बल खा, ठीक है। चावल ले, बहू को बोल चावल चावल में डालेगी अपने हाथ से। चावल उसे मैंने मार दिया। बाल बच्चा कोई बड़ी खुश होके जा रही है। थैंक यू दीदी, ओके बाय। खूब लाइक खूब फॉलो करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना, ठीक है। हाँ ये किन चावलों में डालने, ये जहाँ से निकाला था वहीं डालना, ठीक है। तो गाइस, जैसे ही हम शाम के टाइम खेत में आए, वैसे ही देखो मेरे ससुराल के जंगल में पूरी आग लग चुकी है। ये वो पहाड़ी है जो मेरे ससुराल के ऊपर में दिखती है, और ये देखो इस पहाड़ी पे पूरी आग लगी हुई है भाई। हरे रामो। एंड फिर मिलूला अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। स्वस्थ रहया, मस्त रहया, जग भी रहया, व्यस्त रहया, और देख दे रहया नीलम राणा उत्तराखंड ब्लॉग, और ढेर सारो प्यार दिया, क्योंकि अब आप लोगों से पता चे ससुराल में वीडियो बनो उनका था टॉप हो दो, और घर के का सामने फोन उठाते हैं वीडियो बनो, बहुत टप बात है भाई। खूब सपोर्ट करे हसीना।